Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. पर का स्टॉल गाड़ियों के शोरगुल, धुएं की लपेट में लिथड़कर पेट की आग बुझाने का ख्वाब, कुछ सुनहरे सपने जिन्हें कोई और चुरा कर ले गया। अजीब दुनिया है। थोड़े से पैसों के लिए नौजवान बदतमीजी कर रहा था। वो कहानी का भूखा था। इस सिचुएशन को कल अखियों से देख रहा था। शायद इस झगड़े से कोई कहानी जन्म ले। बोर हो गया। एक रिसाला खरीदा। और एक तरफ चल दिया। होटल। वो बहुत देर तक एक छोटे से चाय खाने में बैठा सिगरेट फूंकता और रिसाले के वर्क उलटता रहा। कुछ और लाऊं आपके लिए? क्या क्या? कुछ और लाऊं आपके लिए? नहीं। फिर अचानक सन्नाटा। साहब होटल बंद हो रहा है। अच्छा जगह थी जहां कुछ देर पहले तिल धरने की जगह न थी। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स, ख्वामखा ज़ूम करके गुजर जाने वाली कोई भूली भटकी गाड़ी। रीगल चौक पर वही अनवर का स्टॉल। वो स्टॉल बंद कर रहा था, काम समेट रहा था। यहाँ तो सभी कुछ बदल गया है। भाई साहब जी, यहाँ कोई अच्छा सा खाने का होटल है? जी इस वक्त तो यहाँ काकड़ होटल है। यहाँ से आपको सीधे जाना होगा, आगे जाके राइट पे टर्न जाए तो वो सारी रात खुला हुआ होता है। थैंक यू। खाने की जगह मालूम हो गई, काकड़ होटल, जो दिन भर खुलता है रात भर चलता है। स्टेज की दुनिया के सारे किरदार यही मंडलाते नजर आते। गया कम वक्त ख्याल चला गया। हाँ हेलो, बड़ा कमीना इंसान है तू यार। कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। अब यार तुम्हें तो पता है यार, अभी अखबार का काम ऐसे ही होता है। अब डेस्क से फारिग हुआ हूँ मैं यार। अच्छा गाँव तुम? यहाँ काकड़ होटल पे। काकड़ होटल में वहाँ क्या कर रहे हो? खाना खा रहा हूँ और क्या करूँगा यार। कोई होटल देखा है क्या? और नहीं यार, कहाँ देखा है, कुछ समझ में नहीं आ रही कि कहाँ जाऊँ। यहाँ तो 10 साल में नक्शा ही बदल गया है। बड़ा शदीद किस्म का बोर हो रहा हूँ। अच्छा तुम वहीं रुकना, मैं 1 घंटे में पहुँच रहा हूँ। 1 घंटे में? पहले ही इतनी रात हो गई है यार। अच्छा, मैं आता हूँ, वहीं करीब में होटल मिल जाएगा यार। हाँ वो जो तांगे खड़े हैं ना वहीं। तुम एक काम करो, वहाँ तांगे के पास खड़ो के मेरा इंतजार करो, मैं पहुँचता हूँ। हाँ हाँ पहुँच रहा हूँ यार। ठीक है ओके, मैं तांगा स्टैंड पे मिलता हूँ तुम्हें। अब तक नहीं आया था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मैं जाना पर वो बेजारियत से तंग आ गया था। मैं जाना परदेश गोरिये, मैं जाना परदेश गोरिये, मैं जाना परदेश। बाबूजी आपको जाना कहाँ है? नहीं यार, किसी का इंतजार कर रहा हूँ मैं। वैसे बाबूजी इंतजार बड़ी कुतिश है। आप शायद नए हो शहर में? नहीं, मैं बहुत अरसा पहले आया था, लेकिन तुम्हारा शहर काफी बदल गया है। कमाल करते हो बाबूजी, इंसान बदल गए। वैसे आप ठहरे कहाँ हो? मैं जिस दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ उसके साथ होटल। ओ बाबूजी कमाल की बात करते हैं, ये सामने गली में होटल है, मैं लेकर चलता हूँ आपको, वहाँ पर ठंडा गर्म पानी मौजूद है और इस चीज का भी इंतजाम है, पुलिस वुलिस की फिक्र नहीं है। अच्छा, लेकिन तुम तो तांगा चलाते हो। अरे साहब जी, ये जो पेट है ना, ये बड़ी हरामी शय है, इसके लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है। नहीं यार, 10 साल पहले आया था यहाँ, उस वक्त बड़ी रौनकें हुआ करती थी इस शहर में, अब तो सारा कुछ बदल गया है। बदल गया है? अरे साहब जी, आप भी कमाल की बातें करते हो, आप भी तो बदल गए हो 10 साल में। है हाय हाय हाय, जिंदगी में तो ऐसा होता ही रहता है। वैसे क्या रौनकें हुआ करती थी इस शहर की। ये जो मशहूर जगह थी ना, ये तांगे का अड्डा था। हाँ, बड़ी रौनकें थी यहाँ पर, बड़े अच्छे अच्छे होटल थे, बड़े लशपश खाने थे, हयाशी थी, सब कुछ था साहब जी यहाँ। साहब जी, बस ये सवारियाँ छोड़कर वापस आता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा होटल। अगर आपका दोस्त नहीं आया, मैं चलता हूँ। रात के इस पहर में नुमान तो ना आया, मगर एक सौदागर उसके पास आया। पर बेजारियत से जन्म लेने वाली कहानी में एक मोड़ आ गया। मैं आ गया साहब। तुम कौन हो? मैं कोगा, आपका खादिम। क्या बात? मैंने सोचा पूछ लूं। पूछ लूं? क्या पूछ लूं? कुछ चाहिए तो नहीं आपको? मसलन कोई लड़की वड़की? मुझे लगता है आपको नहीं चाहिए। रुको जरा, रुको। तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया कि मुझे नहीं चाहिए? बस साहब, अपना भी तजुर्बा है इस काम में। तुम्हारा तजुर्बा गलत है। इंसान को इस चीज की हर वक्त जरूरत होती है, चाहे वसूली पर हो या जलते अलाव में। मैं भी कितना पागल हूँ, लेकिन तुम इस फलसफे को क्या समझोगे? मैं चूंकि राइटर हूँ, इसलिए वक्त बेवक्त इन ख्यालात का, खैर छोड़ो इन बातों को। अगर कहीं करीबी है तो मैं तुम्हारे साथ मिलकर चल रहा हूँ। दरअसल मैं यहाँ अपने किसी दोस्त का इंतजार कर रहा था। हाँ, बिल्कुल ही पास में, इस बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में। क्या? लेकिन ये तो रहायशी बिल्डिंग है। हाँ, इसी में है। अच्छा, चलो। हाँ, आ जाओ, लेकिन मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अच्छा चलो। जा, बहुत ही नेस्ती है तू। बाहर चल उठ, उठ जा, उठ, चल उठ, उठ शाबाश। मुझे सोने दे। सोने तुम, सोने तुम, उठ, उठ ना, रामजादी उठ, कुतीरी उठ, उठ। ना हाँ हेलो, अरे यार कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें यार, कहाँ हो तुम? यहाँ करीब ही हूँ, काम से आ गया। काम से? कैसे काम से? बताऊंगा तुम्हें बाद में। मैं यार वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुमसे मिलने का कहा था मैंने। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर। यार होटल का समझ लो हो गया है, ये गली में है, तुम तो आओ। कमरा देखो। अब यार तुम किस चक्कर में पड़ गए, कुछ तो बता यार। अरे यार कोई चक्कर नहीं है, मैं आता हूँ तो आके बताता हूँ, तुम वहीं रुको ठीक है। उठ ना रामदादी उठ, जल्दी कर, उठ ना। चल जल्दी से तैयार हो जा, बाहर गाहक आया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सो रही हूँ। वो सो रही हूँ कि बच्ची, उठ तो सही, देख बाहर बहुत अच्छा गाहक आया है, देखेगी तो खुश हो जाएगी। मैं सो रही हूँ, बहुत खुश हूँ। सोने दे। मैं कह रहा हूँ उठ जा। कह दिया ना मैं सो रही हूँ। उठ जा मनोज, उठ जा। उठ। जल्दी से, पहले ही देर हो चुकी है। नहीं जाऊंगी मैं। मारती है, अपने कसम को मारती है। इंसान बन जा इंसान, वरना बता रहा हूँ मैं तुझे, वरना क्या कर लेगा, मार डालेगा मुझे, मार डाले मुझे, मार डाल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो मुझे तंग ना देख, तू समझती क्यों नहीं है? गुजारा कैसे होगा हमारा? जन्म में जाए गुजारा, मैं भूखी सो जाऊंगी, मुझे रहम कर, मुझे नींद आ रही है। तो तू नहीं उठेगी है? ये कहानी का वो मोड़ है जहां कहानी के मरकजी किरदार गुलजहान का दिल शदीद गुस्से से भर गया। उसके दिल में आया वो सुर्ख ईंट उठाए और गोगा का सर कुचल दे। और फिर घंटे दो घंटे की बात है बस जान, उसके पास हो जाना। देख तू तो जानती है शहर में काम करना पड़ता है जीने के लिए। चल शाबाश, उठ जा ना। देख देख कितनी मोहब्बत करता हूँ तुझसे, मेरे लिए खुदा की कसम सिर्फ 2 घंटे की बात है, उसके बाद सो जाना। तू जितना दिल चाहे सोएगी, मैं बिल्कुल तंग नहीं। बहुत अच्छी है, मुझे मालूम था। चल जल्दी से तैयार हो जाए। अरे अरे बड़े साहब, किधर चले? बस मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। अरे आप तो हवा के घोड़े पर सवार है। तैयार हो रही है, 2 मिनट लगेंगे, आइए ना, आप ऊपर ही आ जाए। अरे 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 क्या हो गया बड़े साहब, ऐसा भी क्या? देर सवेर तो हो ही जाती है इस काम में। आ जाइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए आइए आ जाइए। ठीक है, 200 रुपये होंगे। गिन लो कितने? 250 है। 250। शुक्रिया बड़े साहब। देखिए ज्यादा तंग नहीं कीजिएगा, और घंटे 2 घंटे के बाद यहीं छोड़ जाइएगा। छोटा नहीं करना चाहिए आदमी। गर्दन जरा ऊंची करो। क्या? कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि कुछ बात करो। अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कुछ भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? देखो दुनिया में जितनी भी चीजें होती हैं ना, सबका कोई ना कोई नाम होता है जिससे लोग उन्हें पुकारते हैं। तुम्हारा भी तो कोई नाम होगा अच्छा सा। हमारे नाम अच्छे नहीं होते। फिर भी मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? क्यों अपना वक्त जाया करो? मेरा नाम पता पूछने के लिए होगी? नहीं, लेकिन नाम पता हो तो इंसान बेशनाख्त नहीं रहता। पर मेरी तो कोई शनाख्त नहीं। हमारी कोई शनाख्त नहीं होती बाबू। क्यों? क्यों? कमीला देखा कभी? हाँ, नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन सुना बहुत है। वो क्या कहते हैं उसे, स्लॉटर हाउस। वहाँ जानवरों की गर्दन मारी जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। वहाँ किसी का नाम नहीं होता। जो काटता है वो भी नहीं जानता, जो कटता है उसे भी नहीं मालूम। बस सबका मुकद्दर एक सा। तुम बहुत गहरी बातें करती हो। कहाँ की रहने वाली हो? जहाँ की तुम समझ लो। हम एक जैसी होते हैं, कहीं की भी हो। जैसे तुम लोग एक जैसे होते हो, कहीं की भी हो। तुम्हारा रुखा क्यों बोलती है? तुमने जवाब नहीं दिया। कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे होंठ, तुम्हारा ये बदन। तुम पागल तो नहीं? तुम्हें क्यों लगा ऐसा? पागलों जैसी बातें कर रहे हो। अपना काम करो, वक्त क्यों जाया करते हो? मुझे जाना है। अपना काम भी तो कर रहा हूँ। अपना काम? तुम्हें पता है मैं क्या काम करता हूँ? नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि तुम मुझे किस काम के लिए लाए। मैं लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, और यही मेरा काम है। तो अपना काम करो, मुझे जाने दो, देर हो रही है। अच्छा बैठो तो सही। कहाँ जाना है तुमने? वही जहाँ से तुम मुझे लाए। ठीक है तो तुम चली जाओ। अपना काम करो, क्यों तंग करते हो? मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे हमदर्दी है। नहीं चाहिए कोई मुझे हमदर्दी। अपना काम करो, मुझे जाने दो, नींद आ रही है मुझे। तुम जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो, फ्रेश हो जाओ। कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे ये होंठ, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये बदन। सिटा दे। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम ये काम कब से कर रही हो? जब से तुमने चाहा था। क्या मतलब? तुमने चाहा था, मैंने कब चाहा था? मैं तो आराम से, पता नहीं कहां से आगे तुम अचानक, इतनी मुश्किल से तो मौका मिला था। उल्टा रहे अच्छे नहीं लगते, अच्छी औरतों की आवाज। मत करो मुझे परेशान, खुदा के पास 15 दिनों से मैं सोई नहीं, 15 दिनों से, जब से आई हूं मैं सोई नहीं। कहां से आई है मुझे कुछ तो बता। जहन्नम से। तुझे क्या? मुझे हमदर्दी है तुमसे। नफरत है मुझे इस लफ्ज से, नफरत है मुझे हमदर्दी से और नफरत है मुझे इस लफ्ज से। क्यों नफरत है तुम्हें इन अल्फाज से? माफ करो मुझे, माफ करो। तुम क्यों नहीं समझते मैं बहुत दिन से सोई नहीं हूं, क्यों मेरा वक्त खोटा करते हो? और अपना तुम्हें पता नहीं, तुम तो मेरे लिए एक किरदार हो, बहुत अहम किरदार। मैं तुमसे बातें करना चाहती हूँ। मगर मैं कोई बात नहीं करना चाहती। तो क्या करना चाहती हूँ? मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। मुझे नींद के सिवा कुछ सुझाई नहीं दे रहा। तुम क्यों अपना वक्त जाया कर? जल्दी से जान छुड़ाओ, मुझे जाने दो, मुझे सोना है। अच्छा तो यही सो जाओ ना आराम से। क्यों सो जाऊँ यहाँ? सोने नहीं आई, मेरा घर नहीं है। तो तुम जहां से आई हो वही तुम्हारा घर है। अच्छा तो प्रिज्यूम करो कि इस कमरे को तुम। बकवास बंद करो, मेरा कोई घर नहीं है, समझे तुम? मेरा कोई घर नहीं है, नहीं है कोई घर मेरा। बस अपना काम करो, मुझे जाने दो बस। मगर मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए नहीं लाया। लानत है तुम्हारी शक्ल पे। छोड़ा फिर मुझे, पैसे वापस ले लो उस दलाल से, कुत्ते के बच्चे हरामजादे से। क्या देख रहे हो? सुना नहीं? छोड़ा मुझे, मुझे सोना है। चलो मैं तुम्हें छोड़ा। बड़ी जल्दी आ गई। आपदा उठ, क्या हो गया? सोने दे, सोने दे। चल उठ जा जल्दी। मैं क्यों नहीं जाता? सोने क्यों देता मुझे? सोने दूंगा, सोने दूंगा। चले मैं भी तो जरा। नींद आ रही है। पड़क ले जितना चाहे पड़क ले, सबको खुश करती है, मुझे लात मारती है। ठहर जा, सिगरेट पी लूं फिर तुझे बता। साली नखरा करती है। ठहर जा, अभी बताऊंगा तुझे। फिर क्या? मतलब फिर क्या हुआ? क्या होना था, मैं उसे उसके घर छोड़कर आ गया, जो घर शायद उसका अपना भी नहीं हो। ठीक है शिव, मेरा मतलब है कि यार देखी तो थी तुमने। अरे कहाँ देखी यार, और अंधेरे में कुछ दिखता कब है? और वैसे भी वो काली चादर लिपेटे हुए थी। हाँ काली चादर, जवान थी वो, भरपूर थी। वैसे बदन तो मैंने देखा था, और तूने तो खैर गौर से देख लिया होगा सब कुछ। तू नहीं सुधरेगा। अब कैसे सुधर सकता है कोई? हाय इतना लंबा अरसा हो गया है, कोई मौज मस्ती भी नहीं की हमने, और यार हमको तो कोई साली मिलती भी नहीं है, और एक तू है। अब आते ही माल भी मिल गया। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अब बिल्कुल बदल चुका हूँ। बस बस बस, रहने दो हाजी साहब। अच्छा एक बात सच बताओ, भड़ास तो निकालने देना। गोरी होगी अंदर से बहुत। मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो उसे सही से देखा भी नहीं, बस मेरे तो दिलो दिमाग में धमाके हो गए। मेरा दिल चाहता है कि मैं दोबारा उसके घर जाऊं, उस कमीने का सर ईंट से कुचल दूं। पता नहीं क्यों अब भी मेरे दिल में यही ख्याल। तो सबका काम हो जाता और उसकी जान छूट जाती, और फिर तो फिर क्या? तो फिर वो अकेली हो जाती और सुकून से सो जाती, और जब उठती ना तो हम दोनों मेरा मतलब है कि हम तीनों कभी जागते, कभी सोते, और कभी इंसान बनो इंसान। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं बहुत बदल गया। ओह, मैं समझ गया था उसी वक्त जब तुम काली चादर में लिपटी हुई उस नींद की देवी को सोते हुए लाए थे ना, और मुझसे कहा था बस जाओ बाद में बात होगी। मैं समझ गया था। अच्छा एक बात सच बताओ, हो जाए प्रोग्राम, मेरा वीकली ऑफ भी। नमान मैं तुझे बहुत मारूंगा, मुझे प्लीज ये अफसाना मुकम्मल करना। ठीक है हम चलते हैं, तुम अपना अफसाना मुकम्मल करो। और हाँ पक्का रहा कि तुम उसे दोबारा नहीं बुलाओगे। पागल हो गया, मैं तो वहां बस कहानी की तलाश में गया। अच्छा तो फिर मिली कहानी? हाँ मिली तो, लेकिन अधूरी कहानी मिली। पता नहीं कहानियां क्यों नहीं मिलती, हर तरफ अधूरी कहानियां फैली हुई, अधूरे इंसानों की अधूरी कहानी। शायद इसलिए कि हम खुद ही तो अधूरे होते हैं। तुम्हारी बस यही प्रॉब्लम है यार कि जरा सी तुमसे बात करो और तुम्हारा फलसफा शुरू हो जाता है। आप लिखें अपना अफसाना, हम चलते भाई। बहुत गहरी बातें करती है, कहाँ की रहने वाली है? जहाँ की तुम समझ लो, हम एक जैसी होती है, कहीं की भी हो, जैसे तुम लोग एक जैसे होते हो, कहीं की भी हो। क्यों अपना वक्त जाया कर, मेरा नाम पता पूछने के लाए हो क्या? होटल से निकल आया, उसकी खोजती आंखें गोगा को तलाश कर रही थी, वो कहीं नजर नहीं आया। कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे होंठ, तुम्हारा ये बदन। तुम पागल तो नहीं? पलटा रहे यहाँ से, अच्छे नहीं लगते अच्छी औरतों की आंखों से। मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, मुझे नींद के सिवा कुछ सुझाई नहीं दे रहा। इमारत की तरफ चल पड़ा जहां से रात को वो आपदा को लेकर आया था। जाना कितनी देर से होगी? 2 घंटे से तो सो रही है। मुझे सोने नींद नहीं पूरी होने। वो पैसे नहीं कमाने होगा तू समझता क्यों नहीं? एक बार मेरी नींद ठीक तरह से पूरी होने। और मैं सब समझता हूँ, तू नहीं समझती। बाबा पैसा हमारी जरूरत है। नहीं चाहिए तुझे पैसा, मेरी जरूरत नहीं है, मुझे नींद की जरूरत है। वो ग्राहक आया है, उसका क्या करूं? तू चले जाओ। तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे बताता हूं।